भाजपा के लिए ये होली 5 साल बाद जश्न मनाने के लिए सबसे बड़े मौके की तरह है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर बुलडोजर पर चढ़ करके होली खेली। इनमें से कुछ ने सीएम योगी का वेश बना करके रखा था, तो वही मुख्यमंत्री इस मौके पर गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने सुबह की शुरुआत गौ सेवा से की, फिर पालतू डॉगी गुल्लू को बिस्किट भी खिलाया। गोरखपुर से सीएम योगी के अनूठे अंदाज की कई तस्वीरें आईं, तो वहीं पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी लखनऊ में होली के बड़े जुलूस में शिरकत कर हर मतभेद भुला करके सबसे गले लग करके मिलने का संदेश दिया। होली पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना। देखिए अमरोहा में किस तरह कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर होली का जश्न मनाया। भाजपा के ये कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार हैं। एक कार्यकर्ता ने तो सीएम योगी जैसा वेश बना रखा है। बड़ी तादाद में यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता सीएम योगी का वेश बनाकर होली खेलते दिखे, तो होली को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनूठे अंदाज में मनाया। गोरखपुर में उन्होंने होली की सुबह की शुरुआत गोरक्षपीठ में गौ सेवा से की। इसके बाद सीएम योगी ने गोरक्षनाथ पीठ परिसर में पालतू डॉगी कालू और गुल्लू को बिस्किट खिलाया। यही वो गुल्लू है जिसका नाम पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान छाया रहा। यही वो गुल्लू है जिसके बारे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बार तंज किया था। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव अक्सर कहा करते थे कि 10 मार्च को नतीजे के बाद बाबा जी को मेरी सलाह है कि वे जब 11 मार्च को गोरखपुर वापस जाएं तो गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाएं। और बाबा जी ने तो हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की। हम कहेंगे बाबा जी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। ये गुल्लू जानते हो कौन है? बाबा जी का एक प्रिय जानवर वो भी है। अब देखिए महाविजय के बाद किस तरह गुल्लू पर सीएम योगी प्यार लुटा रहे हैं। इस होली का ये अलग ही रंग है। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। यहां गेंडे हर और गौरी को केला और हरी पत्तियां खिलाई। सीएम योगी ने इस चिड़ियाघर में पीपल का पौधा भी लगाया। गोरखपुर से आई इन तस्वीरों से कुछ अलग थी भाजपा नेताओं की लखनऊ में मनी होली। लखनऊ में होली जुलूस में शामिल हुए भाजपा नेता और मंत्री। लखनऊ के ऐतिहासिक होली जुलूस में शामिल हुए कई कैबिनेट मंत्री। होली का ये जुलूस बेहद खास होता है। लखनऊ में होली का ये रंगारंग जुलूस अनूठा है। कई किलोमीटर लंबे इस जुलूस में इसका स्वागत करने लोगों की बड़ी तादाद पहुंची थी। दो साल तक कोरोना के प्रकोप की वजह से होली का जुलूस नहीं निकल पाया था। दो साल तक होली का रंग फीका ही रहा था, लेकिन इस बार कोरोना की छाया छंट गई और फिर से उत्सव के रंग हर तरफ बिखर गए। भगवा रंग सभी रंगों पर हावी दिखा। मैं तो कहूंगा कि पूरा प्रदेश उन्नतिशील बने, हमारा उत्तर प्रदेश नंबर यूपी नंबर वन बने और मिलकर लोग रहें, चुनाव की कटुता को भूल जाएं। विपक्ष के लोग भी आज हम सब लोग गले मिल रहे हैं और मैं यही कहूंगा कि अब गले मिलते समय अब नेवला बन के काटने की जरूरत नहीं है, इंसान बन के गुजिया खिलाकर सारे मतभेद को भूलने का समय है। भाजपा के खेमे में इस बार विजय का रंग हावी दिखा। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये मौका तो विपक्ष के लोगों से भी गले मिलने का है, एक दूसरे को गुजिया खिलाने और गुलाल लगाने का दिन है, सियासी मतभेद भुलाकर उत्सव मनाने का दिन है। सब रंगों में सरोवर हैं और कई किलोमीटर का इसका रूट है जहां पर ये एक दूसरे को होली की शुभकामना देते हुए गले मिलते हुए अबीर गुलाल के साथ सभी वर्ग के लोग इसका स्वागत करते हैं।
होली के जुलूस में मंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। पाठक ने कहा कि भगवा रंग इस वक्त पूरे प्रदेश में छा गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को और एबीपीपी को भी। सर, इस बार होली का रंग और चटक है। ये भगवा रंग पूरे प्रदेश पर छा गया है। होली लगातार हो रही है। जी सर, 10 तारीख से लगातार होली चल रही है लगातार। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी होली के रंग में रंगी नजर आई। उन्होंने कहा कि ये जश्न मनाने का सबसे बड़ा मौका है। जनता ने भाजपा को बड़ा मौका दिया है। तमाम नेता भी जोश में डूबे दिखे। यहाँ की जनता को, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाने का काम किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और होली की शुभकामनाओं के साथ साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस बार प्रदेश की जनता जनार्दन ने जो प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए यह होली पर, फगवा होली पर भगवा रंग चढ़ा हुआ है। होली का रंग इस बार भाजपा खेमे में हर तरफ चटक रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हरा, लाल, भगवा, कोई रंग अलग नहीं। होली न तो सत्ता की है न विपक्ष की, होली तो सबकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने सबको बधाई दी। बड़ा पर्व देश का है और इस पर्व को, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग 10 मार्च से ही मना रहे हैं, लेकिन आज 18 मार्च को जब होली का आज त्यौहार है और इसको बहुत उत्साह से, बहुत उमंग से, बहुत प्रसन्नता से सारा प्रदेश मना रहा है, सारा देश मना रहा है। सभी पर्व महत्वपूर्ण है, इसलिए होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, परिवार का त्यौहार है, समाज का त्यौहार है और सभी लोग, समाज के सभी वर्ग मिलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। क्या लगता है इस बार होली के रंग और ज्यादा चटक है? नहीं, होली का हमेशा रंग चटक रहता है। होली के बाद राज्य में नई सरकार का गठन होना है। रंगों की होली के बाद एक और जोश भरी होली का मौका आने ही वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।